एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं एक बहुत टेस्टी से आलू लाई हूँ जो सूजी मिलाकर बनाएंगे। तो आप देखिए, मैंने ये चार से पांच आलू मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। इनको बॉईल कर लिया है, पर इतना बॉईल करें कि घुटे नहीं बिल्कुल। आलू के बाद हमने 1/4 कप सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसमें पैन में आप टेस्ट करके देखें तो ये क्रिस्पी हो जाती है, सूजी ड्राई रोस्ट हो गई है। थोड़ा सा हमने ये चावल का आटा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक को बारीक काट लिया है, ऑलिव ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज करेंगे, 1 टेबलस्पून बटर यूज करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार है, मिक्स हर्ब्स हैं, चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स हैं, कुछ चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने 1/4 टीस्पून के करीब, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और अमचूर पाउडर है 1/4 टीस्पून, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और ये गार्निश करने के लिए मैंने हरा धनिया और अनार के दानों को लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये देखिए, हमने बटर और ऑयल को डाल दिया है ताकि बटर जो है वो जले नहीं, तो दोनों को हम मिक्स करके बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम ये गार्लिक कटा हुआ, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, धीमी आंच पे हमें इसको भूनना है ताकि जो हमारा गार्लिक है वो जले नहीं। गार्लिक हल्का हल्का भून गया है, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आलू और इनको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे। मैं इस पर चावल का आटा स्प्रिंकल करना भूल गई, आप पहले से इसको स्प्रिंकल कर लें ताकि वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। और इसको मिक्स करेंगे हम ऐसे, आप इसको जब आलू निकालें तो फिर थोड़ा सा चावल के आटे से डस्ट कर लें ताकि वो हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। अब मैं सेमोलिना जो है सूजी है उसी में नमक डाल रही हूँ, उसी में थोड़ा ये मिक्स हर्ब्स अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और इसी में मैं ये रेड चिली डाल रही हूँ। इसका मिक्सचर बना के हम अलग से रख लेंगे, जब हम आलू में डालेंगे तो इसको मिक्स करके ही डालेंगे। थोड़ा सा नमक हम इसमें भी स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा। तो ये देखिए, बहुत अच्छे ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं आलू जो हैं। हमें ये तेज फ्लेम पे करने हैं। जब हमने गार्लिक को धीमी फ्लेम पे कर लिया ना, तो ये फिर तेज फ्लेम पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है आलू को। अब हम डालेंगे इसमें ये मिक्स सूजी जिसमें हमने सारे नमक मसाले डाल लिए हैं जो मैंने आपको बताया है, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको करेंगे हम मिक्स, सूजी हमारी भुनी हुई है, और ये लिपटमा आलू ये बड़े टेस्टी लगते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। यहाँ पर आप थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कम ज़्यादा कुछ नमक का है, कम लग रहा है तो आप और ऐड कर दें, खटाई भी अमचूर भी आप अपने हिसाब से ऐड कर दें, अन्यथा आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आप अमचूर नहीं डालना चाहते तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो देखिए, लग रहे हैं ना क्रिस्पी आलू कितने बढ़िया। तो 1 मिनट हम इनको भून रहे हैं और फिर करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए क्रिस्पी आलू, आपको मैं ये दिखाऊं, देखिए कितना बढ़िया, और ये कोटेड है एकदम, तो बहुत अच्छा लगने वाला है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से डालते हैं हम थोड़ा सा अनार दाना, ये अगर आपके घर में है तो जरूर डालिए, खाने के साथ उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा डालेंगे हम हरा धनिया, और ये आप इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ परोसिए, सभी लोग लाइक करेंगे। तो जरूर बताइएगा मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।